आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र कक्षा 11 के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। कक्षा 11वीं के सिलेबस में इसे पढ़ना है, लेकिन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और 12वीं कक्षा में भी राजनीति शास्त्र में 2 अंक का प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पे पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसे किसी एक क्लास के परिधि सीमा में बांधना संभव नहीं है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और जो स्क्रीन पर दिया गया है उसे जरूर लिख लेंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माण करने वाले, संविधान के जो निर्माता थे उनके विचारों की दर्शन है, उनके विचारों की कुंजी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावना को जान ले क्या है प्रस्तावना, फिर इसके मुख्य बातों को जानेंगे। कई बार आपसे संविधान की प्रस्तावना कोई पूछ देता है, भारतीय होने के नाते हम सबको अपने संविधान की प्रस्तावना का नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए और याद रहना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए या बोलिए, तब लिखेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फिर एक प्रश्न छोटा सा आता है कि संविधान की प्रस्तावना के तत्व को लिखें। संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन है? तो आपको बता दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व हैं। प्रस्तावना के 4 मुख्य तत्व हैं। नंबर 1 कि संविधान के स्रोत भारत की जनता है। पहला तत्व यह है कि प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत के संविधान का स्रोत जो है वह भारत की जनता है, यह पहला तत्व है। दूसरा, प्रस्तावना के द्वारा भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश कहा गया है। मतलब प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत एक संप्रभु देश है, यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है। तीसरा तो जो तत्व है वह है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है या संविधान का उद्देश्य क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की स्थापना करना। प्रस्तावना से पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की स्थापना करना। और चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है, हमें जानकारी मिलती है कि भारत के संविधान को
26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया, मतलब उसके कुछ अनुच्छेदों को उस तारीख को ही लागू कर दिया गया। अब प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्द कौन कौन है। प्रस्तावना में तो बहुत सारे शब्दों का उल्लेख है, वर्णन है, लेकिन प्रमुख शब्द कौन कौन है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे पहला प्रमुख शब्द है वो है संप्रभुता। मन में होगा संप्रभुता का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना का पहला महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है। संप्रभुता का मतलब है भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, मतलब औपनिवेशिक स्वराज्य भी किसी का नहीं है, पूर्णता स्वतंत्र है। दूसरा है समाजवादी। आप सबको पता है समाजवादी का मतलब होता है समाज का। हालांकि मूल संविधान में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद शब्द को 1955 के आवारी कांग्रेस में स्वीकार किया था, अपनाया था, तब जाकर के बाद में इसको जोड़ा गया। तो समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का अधिकार होगा, राष्ट्र का अधिकार होगा, और राष्ट्र का उपयोग देश और जनता के कल्याण के लिए करेगी। और समाजवाद शब्द प्रस्तावना में समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तीसरा महत्वपूर्ण बात है प्रस्तावना का, धर्मनिरपेक्ष। और विशेष बात बता दें कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी धर्म का ना होना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म का ना होना। भारत का अपना कोई निजी धर्म नहीं है, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, अमेरिका का ईसाई है, ब्रिटेन का ईसाई धर्म है, चीन का बौद्ध धर्म है, वैसे भारत का अपना कोई निजी धर्म नहीं है। धर्म लोगों का निजी मामला है, आपको जिस धर्म को मानना है मान सकते हो, लेकिन आपको मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। चौथा महत्वपूर्ण शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, लोकतंत्र माने जनता का तंत्र, जंत्र का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का शासन। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन, मतलब भारत का शासन उसी के हाथ में होगा जिसे जनता का बहुमत, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। और भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो भारत की जनता है, भारत के नागरिक ताकतवर है। पांचवा है गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब होता है देश का जो प्रधान व्यक्ति होगा, मतलब जो राष्ट्रपति होंगे। गणतंत्र का मतलब होता है देश का जो प्रधान होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया होना चाहिए, कोई वंशानुगत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके बाद न्याय की बात करते हैं, तो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न होना, यही तो न्याय है। न्याय क्या है, तो न्याय का मतलब है किसी के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव न होना। और संविधान के द्वारा भारत में तीन प्रकार के न्याय की स्थापना की गई। संविधान के द्वारा भारत में तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या होगा, तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समान व्यवहार करना। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का मतलब होता है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना, कोई अमीर है कोई गरीब है इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना आर्थिक न्याय कहलाता है। अमीरी और गरीबी के साथ आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एक समान, कानून की नज़र में सबको एक समान मानना आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा सरकार तक पहुंचने का अधिकार हो। उसके बाद स्वतंत्रता,
लोगों के गतिविधि पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होना, लेकिन कानून के दायरे में। स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधन का अभाव, स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधन का अभाव, मतलब लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होना, प्रतिबंध न होना, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, यह हुआ स्वतंत्रता। समता, समता मतलब बराबरी, समाज में किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त न होना, सबको एक समान का अधिकार प्राप्त होना, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होना, और आपको बता दे इसको समता कहते हैं। और समता के भी तीन आयाम हैं, नागरिक समता, राजनीतिक समता और आर्थिक समता। और नौ माज महत्वपूर्ण तत्व है, वह बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना का विकास करना, लोगों के बीच भाईचारे की भावना का विकास करना बंधुत्व कहलाता है। ये प्रस्तावना के प्रमुख शब्द हैं। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें आप जान ले तो अपने संविधान में प्रस्तावना को लागू करने वाला अगर विश्व का कोई पहला देश है तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अपने संविधान की में प्रस्तावना को लागू करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान का निष्कर्ष या निचोड़ कहा जाता है, और भारत के संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। जान ले विशेष बात, भारत के संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का स्रोत, संविधान की शक्ति भारत की जनता है। प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत के संविधान को भारत की जनता ने लिखा है। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। और एक विशेष बात, संविधान को पहले लागू किया गया और संविधान को लागू होने के बाद तब प्रस्तावना को लागू किया गया। भारत के संविधान में की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द है, यह 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे शब्द 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, संविधान में के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द है, यह 1789 के फ्रांस के राज्य क्रांति से लिया गया है। भारत के संविधान में अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंथ निरपेक्ष भी 76 में जोड़ा गया। समाजवाद शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया, पहले भी चर्चा कर चुका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार आलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। आलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा प्रस्तावना के बारे में। के मुंशी ने संविधान के प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा। और के मुंशी, इसका मतलब हुआ के मुंशी ने एक जगह और कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा। और अर्नेस्ट बर्कर एक ब्रिटिश लेखक थे जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा। अर्नेस्ट बर्कर ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा। और एक विशेष बात, केशवानंद मुकदमा में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और कहा गया अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। और बेरुबारी मुकदमे में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें संशोधन किया नहीं जा सकता। तो ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना,
और प्रस्तावना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण शब्द। आप लोग निश्चित तौर पर इसको गौर से सुनेंगे, लिख लेंगे, अच्छा लगे तो इस बात की जानकारी अपने मित्रों को दे देंगे, इस वीडियो का जो लिंक है अन्य सारे लोगों को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।